ভালো লাগবে আজকে তোমার। না 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 না। Hi guys, welcome back to Riya Unleashed. थोड़ी मैसी लग रही हूँ मैं, आई नो, बट लाइफ अभी मैसी हो गई है, मैसी नहीं हो गई है, एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल हो गई है। एंड हमारी छोटी बेबी यहाँ पे छोई छोई कर रही है, नहा धुला के इसको साफ वगैरह करा के अभी इसको मैंने फीड कराया एंड सोने लगी है। बेसिकली आँख में नींद भरी पड़ी है। सो कल उसका चेकअप था, फर्स्ट चेकअप, और मैं चाहती थी कि मैं प्रॉपर व्लॉग करूं, बट इतना हॉचपॉच था एंड ओ गॉड, ऊबर मिलने में भी हम इतनी डिफ़िकल्टी हुई कि मैं व्लॉग कर ही नहीं पाई। ये महारानी बहुत रो भी रही थी, उसको उसी टाइम पे भूख लग गई थी तो उसे फीड कराना पड़ा एंड ऑल दोस थिंग, इसकी वजह से व्लॉग नहीं कर पाई मैं। या सो डॉक्टर ने कहा कि एवरीथिंग इज़ ओके, देयर इज़ नथिंग टू वरी, शी इज़ परफेक्टली फाइन। उसे एक लोशन दिया है लगाने के लिए, डॉक्टर ने कहा है कि कोई ऑयल वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, उसे एक लोशन दिया है लगाने के लिए। एंड हाँ, उसका वैक्सीनेशन वगैरह सारा सब कुछ उन्होंने हमें गाइड किया। मैंने भी पूछा कि मैं कोरोना वैक्सीन ले सकती हूँ क्या, तो ही सेड कि हाँ आप कोरोना वैक्सीन ले सकते, क्योंकि मैंने एक भी वैक्सीनेशन नहीं लिया है अभी तक। एंड यही कुछ बेसिक चीज़ें बताई, और कुछ खास ऐसा बताया नहीं है। डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आप, क्योंकि ब्रेस्ट फीड पर बच्चे को आपने रखा है, तो आपको 5 to 6 liters पानी पीना है। मुझे हल्का सा बॉडी अपनी ड्राई फील हो रही है, हल्का सा कॉन्स्टिपेशन फील हो रहा है, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि 5 to 6 liters आपको पानी पीना है। यही है, अभी मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रही थी, क्योंकि हमें इसके लिए ब्लास्टर्स चाहिए, साइड पिलोज जिसे बोलते हैं, तो वही ब्लास्टर्स थोड़ा सा रिसर्च कर रही थी। एंड ये महारानी भी सो रही है, उसे सुला के फिर मैं नहाऊंगी, फ्रेशन अप होंगी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सोई है, बहुत मुश्किल से सुलाया है, एंड आई थॉट शी इज स्लीपिंग। देखिए टुकुर टुकुर आंखें इसने खोली हुई है। बाबू अनदर पार्सल हैज कम, थोड़ी देर बाद खोल के आपको दिखा दिया। ये बॉक्स हमने लिया है एंड बहुत यूजफुल है, एंड इसमें इसकी सारी चीज़ें देखिए, दवाइयाँ, लोशन है ना, और ये जो भी सारी सामान होती, चीज़ें जो एसेंशियल होती है, वो सब कुछ इसमें आ जाता है। बेबी के लिए हर दिन कुछ ना कुछ सामान आ रहा है, जैसा आपने देखा बॉक्स आया है, उसको खोलूँगी। आई होप उसमें डेटॉल है, बेबी स्पेशल कुछ होता है सामान वगैरह बेबियों का साफ़ करने के लिए, वो है। और साथ ही साथ मैंने गर्म पानी भी चढ़ाया है, बहुत मुश्किल से सोई है ये, जब तक सोई है तब तक मैं फ्रेश ना हो जाती हूँ। उससे पहले इसका बॉक्स जो है थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा मेस हो गया है बेड पर। एंड या इतनी छोटी बेबी के साथ घर संभालना, घर को साफ रखना, बेसिकली इट्स अ टास्क। गीला लग रहा है ये थोड़ा सा, इसको धूप में डालना पड़ेगा। छोटी 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 चीजें हैं इसके, मिटन्स हैं, सॉक्स है, कितने क्यूट है, छोटे छोटे, बहुत क्यूट है।
यू नो व्हाट गाइस, ये जो सेट है ना, ये हमने मंगवाया है विंटर के लिए स्पेशली। बहुत क्यूट सेट है। एक ये है, कितना क्यूट है। और ना और भी ऐसे ना, तीन उसके ऊपर के शर्ट है और तीन इसका पजामा टाइप का है। बहुत यूज़फुल है। मैंने आई थिंक इसे फ्लिपकार्ट से लिया था, मैं लिंक नीचे शेयर कर दूँगी। मैं बेबी शॉपिंग के लिए एक व्लॉग बनाऊंगी, उसमें सारी चीज़ें होंगी कि क्या क्या हमने बेबी के लिए अभी तक शॉपिंग की है। और ये तो चलने वाला प्रोसेस है, चलता रहेगा, बट बहुत सी चीज़ें आए दिन आती रहती है। मैं उनको इकट्ठा करके एक व्लॉग बनाऊंगी। इतनी छोटी छोटी इसकी चीज़ें हैं ना, मुझे देख के लगता है कि मैं डॉल ना, बचपन में हम खेलते थे डॉल डॉल घर घर, वैसी टाइप की फीलिंग आती है। एंड शी इज़ सो टाइनी, एंड उसकी चीज़ें भी तो उसके मिट्टन तो उसके सॉक्स है, बहुत ही प्यारे लगते हैं। एनीवेज, मैं फटाफट ये सब मैस जो है उसे संभालती हूँ, आपको एक चीज़ दिखाती हूँ बहुत यूज़फुल वाली। हम ना ये बड़ा वाला पैम्पर्स का पैकेट लेके आए हैं, एंड इससे ना आनी ऐसी हो जाती है, मैं आप लोगों को निकाल के दिखाती हूँ। इसका जो मतलब पैम्पर है ना, वो इस तरह पैंटी वाले शेप में आता है, जिससे जिससे कि आप बेबी को इजीली इसको पहना सकते हो। एंड नॉर्मल वाले पैम्पर्स में क्या प्रॉब्लम हो रही थी, जब भी वो पॉटी कर रही थी ना, तो बाहर निकल के आ रहा था। इससे आई होप ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बहुत कन्वीनियंट है पहनाने के लिए भी, और उसका मटेरियल भी बहुत सॉफ्ट है, और न्यू बॉर्न को बहुत अच्छा फिट भी आ रहा है। पानी ना मैं आजकल बना रही हूँ और इसमें स्टोर कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि उसको साफ़ करने में कभी अगर वो पॉटी वगैरह करती है ना, तो आसानी हो जाती है। ठंड के समय है ना, उसको अगर ठंडे पानी से साफ़ करती हूँ ना, तो बहुत रोती है, तो इसलिए इसमें स्टोर कर लेती हूँ और फिर इसी से उसे साफ़ करती हूँ। एंड मैं भी गुनगुना पानी पी रही हूँ आजकल, बिकॉज़ विंटर का सीज़न है। मैं नहीं चाहती कि मेरी तबीयत ख़राब हो, अगर फिर उसका असर बेबी पर भी होगा, तो इसलिए मैं इस तरह से स्टोर कर लेती हूँ। जब भी ज़रूरत पड़ती है मैं खुद भी पी लेती हूँ, उसको भी साफ वगैरह हम इसे गर्म पानी से ही कर लेते हैं। अभी मैं नहा के आई हूँ, थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग लगाया, मतलब किया, बाद में थोड़ा सा हेयर ऑयल लगाया। ये सो रही है मैं इसके बाद जो मैं लेटती हूँ ना, तो ये सुकून से सोती है। रात को भी आजकल मैं उसको लेटती अपने साथ ही लेटती हूँ, तो सुकून से खुद भी सोती है, मुझे भी सोने देती है। मौसम आज भी बहुत ज़्यादा एकदम अंधेरा अंधेरा सा, बारिश बारिश सा लग ही रहा है कि विंटर का सीज़न है। मैंने एकदम कंबल वम्बल ओढ़ लिया है, कंबल ओढ़ के सो रही हूँ। कोई आया है? इस व्लॉग को मैं यहीं तक रखती हूँ, एंड आपसे जल्द मिलूँगी अपने दूसरे वाले व्लॉग में। बहुत कुछ प्लान अप है, आई होप मैं बहुत अच्छे कॉन्टेंट्स लेके आ सकूँ। 10K हम बहुत जल्दी क्रॉस कर लेंगे, आई एम सुपर एक्साइटेड। और मेरी बेबी 1 महीने की भी होने वाली है, मैंने कुछ सोचा है, कुछ करूँगी। चलो ठीक है, इस व्लॉग को यही ख़त्म करती हूँ, आपसे जल्द मिलती हूँ अपने दूसरे व्लॉग में।